फिल्मी दुनिया के कई चमचमाते चेहरों के नाम उस काले काम में सामने आ रहे हैं जिसने कई युवाओं को बर्बाद कर दिया। क्रिकेट का सट्टा चलाने वाली महादेव ऐप के कर्ता धर्ता पर ईडी ने छापा मारा था। करीब 417 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस ऑनलाइन बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से कई फिल्मी सितारों के नाम जुड़े होने का शक है। इस मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को नोटिस जारी होने के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी नोटिस जारी हो गया है। इन सभी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गायक राहत फतेह अली खान सहित एक दर्जन फिल्मी दुनिया के लोग हैं जिनका नाम महादेव ऐप से जोड़ा जा रहा है। इस कनेक्शन में कितनी सच्चाई है यह तो ईडी की जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिल्मी सितारों के फंसने का सिलसिला उस शादी के बाद शुरू हुआ जिसका चर्चा दुनिया भर में हुआ था। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल दुबई में आलीशान शादी की थी। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। कई फिल्मी सितारे वहां पहुंचे थे, कुछ नाचने गाने गए थे तो कुछ से सौरभ की दोस्ती बताई जाती है। इनमें नेहा कक्कड़, सुखविंदर सिंह, भारती सिंह और अभिनेत्री भाग्यश्री का नाम भी सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी है कि फिल्मी दुनिया के लोग भी क्रिकेट की बैटिंग से जुड़े हैं। अभी तो सब बातें हवा हवाई हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ईडी सहित दूसरी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महादेव ऐप क्रिकेट के सट्टे का अड्डा है जिस पर देश भर के लाखों युवा क्रिकेट की खाई लगाई करते हैं। 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सौदेबाजी होती है। जगह जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इन मोबाइल नंबर पर मैसेज करने के बाद दूसरी तरफ से बैटिंग की लिंक और अकाउंट नंबर भी मांगा जाता है। सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। पैसे जमा करके खिलाड़ी बैटिंग कर सकता है। जीतने पर ये लोग हाथों हाथ पैसा भी दे देते हैं। बरसों से कारोबार चल रहा है, अब जांच एजेंसियों की नजर पड़ी है। दावा ये भी है कि आईपीएल जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट टूर्नामेंट्स में ये सौदेबाजी ज्यादा होती है। खबरें जारी हैं, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।